सेतु निगम के इंजीनियर मौके पर पहुंचे, कार्य चालू। रायबरेली में लखनऊ बांदा हाईवे NH 232 पर गिगासो गंगा घाट पर बने गंगा पुल क्षतिग्रस्त होने की खबर बुधवार को प्रमुखता से दिखाई दी, जिसके बाद जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के आदेश पर देर रात SDM लालगंज अजीत प्रताप सिंह, NHI के इंजीनियर और सेतु निगम के इंजीनियर मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आज गुरुवार को सुबह से ही गंगा पुल की मरम्मत का कार्य तेजी से चालू हुआ, जो लगभग पूरा हो चुका है। NHI के कर्मचारी पूरे दिन गंगा पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत में जुटे रहे। वहीं कर्मचारियों की माने मरम्मत का कार्य पूरे दिन चला और लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अगले 15 दिनों तक क्षतिग्रस्त हिस्से के बैरिकेड करके रखा जाएगा, उसके बाद पूरी तरीके से यातायात चालू किया जाएगा। आप तस्वीर में खुद देखिए कि इस तरह से मरम्मत का कार्य तेजी से चल रहा है। दरअसल गिगासो गंगा घाट पर बने इस गंगा पुल से बांदा से गिट्टी मोरंग लेकर ओवरलोड ट्रक सैकड़ों की संख्या में निकलते हैं, जिसके चलते पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। संवाददाता श्रवण कुमार, रायबरेली।